पूरी दुनिया इस वक्त एक ऐसे हमले से जूझ रही है जो इंटरनेट के महाजाल में छुपा हुआ है। रैंसमवेयर, फिरौती मांगने वाले वायरस की चपेट में लाखों कंप्यूटर्स आ चुके हैं। भारत में भी इसका असर हुआ है। कई विभागों के कंप्यूटर ठप हो चुके हैं, कई जगहों पर एटीएम बंद कर दिए गए हैं। क्या है रैंसमवेयर? रैंसमवेयर एक कंप्यूटर वायरस है। अगर ये वायरस आपके कंप्यूटर में आ गया तो ये आपके कंप्यूटर को लॉक कर देता है। एक तरह से आपका कंप्यूटर डेड हो जाता है। इसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। ये तभी शुरू होगा जब आप इसके बदले फिरौती देंगे। रैंसमवेयर की फिरौती क्या है? जिस तरह किडनैपिंग के केस में फिरौती दी जाती है, ठीक उसी तरह रैंसमवेयर से कंप्यूटर को एक तरह किडनैप किया जाता है और उसे छोड़ने के एवज में फिरौती मांगी जाती है। फिरौती होती है करीब 300 बिटकॉइन की। बिटकॉइन एक ऑनलाइन करेंसी है। भारत में एक बिटकॉइन की कीमत करीब 1,10,000 रुपए, यानी अपने कंप्यूटर को छुड़ाने के लिए आपको करीब 3,30,00,000 रुपए की फिरौती देनी पड़ेगी। रैंसमवेयर के हमले में क्या हुआ? अब तक करीब 150 देशों में 2,00,000 से भी ज्यादा कंप्यूटर सिस्टम इसकी शिकार हुए हैं। ब्रिटेन में कई टेलीफोन कंपनियां और अस्पतालों के कंप्यूटर हैक हो गए, कामकाज ठप हो गया। रूस के गृह मंत्रालय के 1,000 कंप्यूटर्स पर इसका हमला हुआ। भारत में रैंसमवेयर हमले का असर अब तक गुजरात के जामनगर के आरटीओ दफ्तर के कई कंप्यूटर्स ठप हो गए। आंध्र प्रदेश में 18 पुलिस डिपार्टमेंट्स के कंप्यूटर ठप पड़ गए। बंगाल के बिजली विभाग का कंप्यूटर नेटवर्क ठप हुआ है। रिजर्व बैंक के आदेश पर देश भर में कुछ एटीएम्स को बंद कर दिया गया है। कैसे बचें रैंसमवेयर के हमले से? अच्छे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें। कंप्यूटर को मोबाइल, पेन ड्राइव या किसी दूसरे डिवाइस से जोड़ें तो उसे स्कैन करें। किसी भी अनजान ईमेल को ना खोलें। किसी भी अनजान वेबसाइट को ना खोलें। ईमेल के साथ आने वाली अटैचमेंट को जांच परख कर ही खोलें। जिप, रार या फिर किसी भी तरह की कंप्रेस्ड फाइल खोलने से पहले सुनिश्चित करें कि वो जानी पहचानी ईमेल आईडी से भेजी गई है। समय समय पर अपना पासवर्ड बदलते रहें। ऑपरेटिंग सिस्टम पुराना हो तो उसे फौरन अपग्रेड करें। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।